नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वार्डों पर, चेयरमैन के पदों पर, मेयर के पदों पर मजबूती से लड़ेगी। ये काम तो आपके नगर से गंदगी दूर करने का है, ये काम आम आदमी पार्टी वालों को दे दीजिए, झाड़ू वालों को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में से 633 नगर निकायों में, जिसमें से नगर पालिकाओं में 164 प्रभारी, नगर पंचायतों में 435 प्रभारी, नगर निगम के अंदर 34 प्रभारी बनाए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर जो सवाल उठा था, उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत भी हो गई, कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया, स्वीकृति भी दे दी। अब जल्द ही नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषित होंगे, ऐसी संभावना है। पिछले एक वर्ष से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, मेहनत से, और हमारे साथियों ने जन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ी सड़क पर, जो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतर के संघर्ष किया, उसके कारण से आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और उन्हीं साथियों की मेहनत की बदौलत, बाकायदा मीटिंग करके, बैठकें करके, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके 633 नगर निकाय के प्रभारी आज आम आदमी पार्टी घोषित कर रही है। 633 नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आम आदमी पार्टी के आज प्रभारी घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें से नगर पालिकाओं में 164 प्रभारी, नगर पंचायतों में 435 प्रभारी, नगर निगम के अंदर 34 प्रभारी बनाए जा रहे हैं। और पहले भी हमने कहा है, फिर से दोहरा रहा हूँ, नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वार्डों पर, चेयरमैन के पदों पर, मेयर के पदों पर मजबूती से लड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक मौका योगी जी को दिया है, और ये काम तो शहरों की सफाई का है, ये काम तो आपके नगर से गंदगी दूर करने का है, ये काम आम आदमी पार्टी वालों को दे दीजिए, झाड़ू वालों को दे दीजिए, झाड़ू वाले आपके शहर को साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को चुना, उनके शिक्षा मॉडल को, स्वास्थ्य मॉडल को, बिजली पानी के मॉडल को, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया और पूरे देश के अंदर लोकप्रियता मिल रही है, उसकी सराहना हो रही है। वही मॉडल हमारी पंजाब की सरकार अपना रही है, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, बिजली के बिल माफ करने का मॉडल। तो उत्तर प्रदेश के लिए आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी जिन जिन नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हमारे लोग जीतेंगे, चेयरमैन बनेंगे, वहां पर हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ हो गया। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, हम आपको साफ सुथरा शहर करके दिखाएंगे, गंदगी मुक्त शहर करके दिखाएंगे। और हमारा नारा होगा,
हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ।